सो हेलो गाइस, वेलकम टू द क्रिकेट सुपर फैंस। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड के सबसे बड़े टूर्नामेंट यानी कि आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 के बारे में, जो कि 30 मई से स्टार्ट हो जाएगा वर्ल्ड कप इंग्लैंड में। और वर्ल्ड कप 2019 के लिए इंग्लैंड की टीम ने फाइनली पूरा कन्फर्म स्क्वाड अनाउंस कर दिया है, जो कि टीम में कई बड़े बड़े चेंजेस हुई हैं। जहाँ टीम से कई बड़े खिलाड़ियों को बाहर कर दिया गया है, तो वहीं टीम में जोफ्रा आर्चर जैसे कई जबरदस्त खिलाड़ियों की भी वापसी हो चुकी है इंग्लैंड की टीम में। तो गाइस पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में कि वो कौन कौन से खिलाड़ी हुए हैं बाहर इंग्लैंड के टीम से और किस किस खिलाड़ी को टीम में शामिल किया गया है वर्ल्ड कप 2019 के लिए। शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो देखते रहें, पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है बेट एंड बॉल ऐप ने, जो कि एक कमाल का ऐप है, इंडिया का फर्स्ट प्रायोरिटी स्पोर्ट्स है। इसमें आपको 1 से लेकर 11 तक खिलाड़ी लगाने होते हैं, उनके प्रायोरिटी के हिसाब से इसमें कोई भी क्रेडिट सिस्टम नहीं होता है। आप इसमें मनचाही खिलाड़ी की टीम बनाकर खेल सकते हैं किसी भी ऑर्डर में सेट करके। तो वहीं इस ऐप में ग्रैंड लीग में अनलिमिटेड टीम भी लगा सकते हैं, फ्री लीग और पेड लीग दोनों अवेलेबल है इस ऐप में। तो अभी इस ऐप को डाउनलोड करिए, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। डाउनलोड करते ही आपको ऑलरेडी 100 रुपये बोनस में मिल जाएंगे। अब दोस्तों अगर हम बात करें इंग्लैंड की टीम के बारे में वर्ल्ड कप 2019 के लिए, तो इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने फिलहाल 3 बड़े चेंजेस की है वर्ल्ड कप 2019 के लिए। जहाँ सबसे पहले टीम से डेविड विली को बाहर किया गया उनके खराब फॉर्म के चलते, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ इन्हें सीरीज में खिलाया गया था, जो कि काफी खराब फॉर्म थी, जिसके चलते इन्हें टीम से बाहर कर दिया गया है और पहले ये वर्ल्ड कप का हिस्सा थे। वहीं अगर हम बात करें दूसरी बड़ी चेंजेस की, तो दूसरी बड़ी चेंजेस है जो कि जो एडेनली को टीम से बाहर किया गया है। दोस्तों जो एडेनली भी पहले वर्ल्ड कप 2019 का हिस्सा थे इंग्लैंड के टीम में, लेकिन अब इनके भी खराब फॉर्म के चलते टीम से बाहर कर दिया गया है। तो वहीं एलेक्स हेल्स को भी टीम से बाहर किया गया है वर्ल्ड कप 2019 के स्क्वाड से। हालांकि इंग्लैंड की टीम में जोफ्रा आर्चर को शामिल किया गया है वर्ल्ड कप 2019 के लिए, जो कि जोफ्रा आर्चर एक जबरदस्त गेंदबाज माने जाते हैं। तो वहीं टीम में जेम्स विंस और लियाम डॉसन की भी शामिल किया गया है। तो गाइस बिना देरी के चलिए बात करते हैं इंग्लैंड के पूरे कंफर्म स्क्वाड के बारे में वर्ल्ड कप 2019 के लिए, जो कि ये कंफर्म स्क्वाड है वर्ल्ड कप के लिए। जो कि नंबर 1 पर है योन मार्गन कप्तान, नंबर 2 पर जॉनी बेरिस्टो, नंबर 3 पर जेसन रॉय, नंबर 4 पर जो रूट, जबकि नंबर 5 पर है बेन स्टोक। तो वहीं इसके बाद नंबर 6 पर है जोश बटलर, जबकि नंबर 7 पर है मोइन अली। वहीं इसके बाद नंबर 8 पर है क्रिस वॉक्स, जबकि नंबर 9 पर है लियाम प्लांकेट। वहीं इसके बाद नंबर 10 पर है आदिल रशीद, जबकि नंबर 11 पर है मार्क वुड। तो वहीं इसके बाद नंबर 12 पर है टॉम करन, जबकि नंबर 13 पर है जेम्स विंस, और उसके बाद नंबर 14 पर है जोफ्रा आर्चर, जबकि नंबर 15 पर है लियाम डाउसन। दोस्तों ये इंग्लैंड का पूरा कंफर्म स्क्वाड वर्ल्ड कप 2019 के लिए। तो गाइस फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार अपनी राय जरूर दें।